आपका जो दोस्त है वो घुटन महसूस करने लगेगा, वो अजीब महसूस करने लगेगा, वो अनकंफर्टेबल होने लगेगा। आप में से ज्यादातर लोग इसी वजह से अपना रिश्ता खुद खराब कर लेते हैं, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ज्यादातर रिश्तों के टूटने का मेन रीजन क्या होता है कि आप जानते हैं? अगर आप भी वो इंसान हैं जो अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं एंड सारे एफर्ट्स करते हैं ताकि आपका पार्टनर आपसे खुश रहे एंड आपको कभी छोड़ के न जाए, तो यकीन मानिए आप भी अपने रिश्ते को बहुत जल्दी खो देंगे, आपका पार्टनर भी आपको बहुत जल्दी छोड़कर चला जाएगा। क्योंकि रिश्तों के खत्म होने का, ब्रेकअप का एक मेन रीजन जो होता है वो होता है उसको खोने का डर। जब आप अपने पार्टनर को खोने से डरते हैं ना, तो उस डर के वजह से ही आपका पार्टनर आपको छोड़ देता है। कॉम्प्लिकेट हो गया ना, चलो थोड़ा सिंपल करके समझाते हैं। देखिए, एक रिश्ते में ना कभी भी उसे खोने का डर नहीं होना चाहिए। जहां पर भी हमारे अंदर अपने रिश्ते को खोने का डर पैदा होता है, वहां पर हमारे कुछ अदर एक्शन निकल के आने लगते हैं एंड उस वजह से हम खुद ही ना चाहकर उस रिश्ते को खराब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है एंड आप उसको खोने से डरते हैं। आप डरते हैं कि कहीं उसकी जिंदगी में कोई और अच्छा फ्रेंड ना बन जाए। आप अपनी इस दोस्ती को बांटना नहीं चाहते, अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते। ऐसे में आपका एक अलग ही पजेसिव बिहेवियर निकल कर आने लगेगा ना चाहकर। एक ऐसा बिहेवियर जहां पर आप इस चीज का ध्यान रखने लगेंगे कि वो किससे बात करता है, क्यों बात कर रहा है, उसे कुछ जरूरत थी तो उसने दूसरे दोस्त को कॉल क्यों कर दिया, उसने मुझे क्यों नहीं बताया। आप उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उसको इस तरीके से उसकी जासूसी करेंगे जैसे आप उसके पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं। ये सब क्यों? ये सब आप करेंगे प्यार की वजह से और प्यार में जो उसको खोने का डर है उस वजह से। एंड आपका जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव बिहेवियर है वो क्यों है? क्योंकि आपको डर लग रहा है उसकी दोस्ती किसी और से ना हो जाए, आपका दोस्त अपनी दोस्ती को बांट ना ले किसी और के साथ। एंड आपका ये जो बिहेवियर निकल के आ रहा है, इससे आपका जो दोस्त है वो घुटन महसूस करने लगेगा, वो अजीब महसूस करने लगेगा, वो अनकंफर्टेबल होने लगेगा। उसको लगेगा कि यार मेरे घर दो पेरेंट्स तो मेरे घर बैठे हैं, तीसरा ये पैदा हो गया मेरी जिंदगी में। आप हर एक चीज का हिसाब मांग रहे हैं, इस चीज से वो इरिटेट होने लगेगा एंड धीरे धीरे उसके तरफ से आपको लेकर झगड़े शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आप और ज्यादा डर जाएंगे कि यार झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब इसका दिल मेरे से हट रहा है, इसका मतलब इसकी दोस्ती कहीं और हो गई। एंड इस वजह से भी आप समवेयर और ज्यादा उसको प्रोवोक करेंगे अपने बिहेवियर से ना जाकर भी। एंड अल्टीमेटली उस दोस्ती को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड ये सब क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज आपको उसे खोने का डर था। एंड ये चीज हर एक रिश्ते पे अप्लाई होती है जहां पर आप किसी को खोने से डरते हैं। जब जब आप अपनी जिंदगी में किसी इंसान को खोने से डरेंगे और उसको बचाने के, उसको खुश रखने के एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने लगेंगे, तब तब वो रिश्ता खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज को आप समझ लीजिए। एंड आप में से ज्यादातर लोग इसी वजह से अपना रिश्ता खुद खराब कर लेते हैं, अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जब जब मैं अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, उनके रिश्ते के बारे में जानने की कोशिश करती हूँ, तो ये डर उभर कर सामने आता है कि उनके अंदर कितना खौफ है। इस वजह से एक और प्रॉब्लम जो आपको होती है कि आप जबरदस्ती उनको खुश रखने के लिए अपने आप को मेंटली टॉर्चर कर दे। आप पर टाइम नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको बुलाया है, इसके बाद भी आप जाएंगे उससे ना नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि ना बोल दिया छोड़ के चली जाएगी। आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे पैसे मांगे,
आप पर नहीं है, आप उधार लेकर उसको देंगे। क्यों? क्योंकि आप में डर है पैसे नहीं दिए छोड़ के चली जाएगी। इस वजह से आप अपने आप को टॉर्चर करते हैं मेंटली फिजिकली हर लेवल पर, एंड आप खुद भी फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं अपने आप से उस रिश्ते में। एंड उसके बाद आपके ऊपर उस रिश्ते का इतना ज्यादा बोझ हो जाता है कि आप संभाल नहीं पाते, आप खुद बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। उस रिश्ते में आपके लिए भी कोई खुशी नहीं बचती, क्योंकि खुशी तो वहां होती है ना जहां पर दो लोग आपस में इंजॉय करते हो, रिलैक्स करते हो, अपनापन जिस रिश्ते में हो, जहां पर सुकून हो, वो होता है रिश्ता। जहां पर एफर्ट्स हो, जहां पर जबरदस्ती मेहनत करनी पड़ रही हो, जहां पर दिमाग लगाना पड़ रहा हो, जहां पर कोशिश करनी पड़ रही हो सामने वाले को रोकने के लिए, वो रिश्ता कब तक चलेगा और वो रिश्ता है भी क्या? इसका मतलब अल्टीमेटली जो मैं आपसे कहना चाह रही हूं कि अपने पार्टनर को खोने के डर से बाहर निकलो। एक रिश्ते में आप इस शर्त के साथ में रहो अपने आप से, किसी से बोलना नहीं है, कि मैं इस इंसान को कंट्रोल नहीं करने वाला। ऑल्दो मैं इस इंसान को बहुत प्यार करता हूं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, बट ये इंसान फ्री है, जिस दिन इसको जाना हो मैं इसको रोकूंगा नहीं, ये इसकी चॉइस होगी। उस रिश्ते में सुकून से रहो, जो करो दिल से करो, दिमाग से नहीं, जो करो खुशी से करो, डर से नहीं। अगर आपका डर खत्म हो गया तो वो रिश्ता बहुत ज्यादा सुधर जाएगा, उस रिश्ते में सुकून अपनापन अपने आप ही आ जाएगा। एंड वैसे भी जो रिश्ता आपको रोक के रखना पड़े, जिस प्यार को आपको जबरदस्ती रोकना पड़े, वो प्यार कैसा? जिसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, वो प्यार कैसा, वो रिश्ता कैसा? ये समझना बहुत जरूरी है। आप अपने भाई को अपने पास रोकने के लिए, अपनी बहन को अपने पास रोकने के लिए कितने एफर्ट्स लगाते हो कि भाई मेरी बहन है तो मुझे ही प्यार करेगी, किसी और को अपना भाई ना बना ले, मेरी जगह ना दे दे। आपके अंदर डर नहीं है क्योंकि आप उसके साथ सुकून में हो। वो सुकून रिश्ते में तक नहीं होगा, रिश्ते नहीं बचेंगे। तो अगर आपके अंदर डर है, आप उस डर से लड़िए। इस डर को कैसे खत्म करते हैं, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी इस डर को ओवरकम करने में, इस डर को खत्म करने में। एक बार ये डर खत्म हो गया, रिश्ता अपने आप ही सुधर जाएगा। अगर आपका रिश्ता सुधर जाए एंड ये वीडियो थोड़ी भी आपको यूजफुल लगे, तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती है। चलिए अब अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।